तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्केच। ये एक फेमस पोएट हैं इंग्लिश के। तो मैं ये जो इमेज है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इससे आपको बिल्कुल करेक्ट देख लेना है कौन सी रो और कौन सी कॉलम में क्या आएगा। तो ये फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम वाला जो बॉक्स है, इससे हम चालू करेंगे। इसके एज से क्रॉस के थोड़े से ऊपर से लेते हुए हल्का हल्का सा कर्व देंगे और यहाँ जस्ट हाफ से थोड़ा सा आगे पे रोक देंगे। और फोटो को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बनाना है, तो आप लोग को भी बनाते बनने लगेगा। तो ऐसे ही अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बनाते जाना है आप लोग को। और ग्रिड जो है वो 7x10 की रहेगी, मतलब ऊपर साइड 14 सेंटीमीटर और लेफ्ट और राइट साइड में 20 सेंटीमीटर। फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी मेरा बाकी वीडियो जैसे 2 पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हम स्केच करेंगे, सेकंड पार्ट में सेटिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम ये वाले बॉक्स से नोज़ की लाइन बनाना चालू करेंगे। इस बॉक्स का जो राइट एजेस हैं उसके जस्ट हाफ से थोड़े से नीचे से चालू करेंगे और हल्का हल्का कर्व देते हुए बनाएंगे। मैं थोड़ा डार्क डार्क चला रहा हूँ ताकि आपको आप लोग को अच्छे से दिखे। आप लोग पेंसिल लाइट चलाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी आंख बनाएंगे, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप कि शैडो जो है वो ज़्यादा ही है, इसलिए हम भी ब्लैक पार्ट ज़्यादा बनाएंगे और आंख बिल्कुल हल्की सी ही दिखेगी, इसलिए हल्की हल्की लाइन बनाना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको बनाना है। और आप फोटो ऑब्जर्व करके बनाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ तक आनी है ये लाइन। आईज बन गई है, अब हम साइड से जो हेयर दिख रहे हैं आईब्रोज से ज्वाइन होते हैं वो बनाएंगे।
फ्रेंड्स अब हम फोरहेड वाला पार्ट बनाएंगे, उसके लिए भी फोटो में अच्छे से देखेंगे और हल्की हल्की लाइन बनानी, क्योंकि बाल जो हैं वाइट है, इसलिए हल्की हल्की पेंसिल चलाना। तो फ्रेंड्स अब हम लिप्स बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, नोज़ के नीचे वाले जो बॉक्स है उससे हल्के से कर्व लाइन बनाते हुए यहाँ दूसरे साइड को अच्छा लंबी दूरी तक ले जाना है और लाइन से चिपकाते हुए थोड़ा सा ओवर शेप देके फिर वापस से नीचे लाना है लिप्स की मिडिल लाइन को। फिर बीच में हल्का सा वी शेप देते हुए आगे ले जाना है। और फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बनाना है। अब हम लिप्स के नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम ईयर्स बनाएंगे। ईयर बनाने के लिए हल्का हल्का सा कर्व देते हैं लाइन में, बीच में थोड़ा सा वी शेप टाइप का बनेगा, बिल्कुल हल्का सा वी शेप, फिर उसके बाद में और ऊपर ले जाएंगे लाइन को हल्का सा कर्व देते हुए और फिर थोड़ा ज़्यादा कर्व देके उसको नीचे लाएंगे और फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए बनाना है, तो फिर आप लोग को बिना वीडियो देखे भी बनाते बनने लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट मैं डालूंगा कल। अगले पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इसकी शेडिंग कैसे करनी है, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।